अब हम देखेंगे हमारी मैथ ऑब्जेक्ट को। तो मैथ ऑब्जेक्ट एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी की तरह होती है, जिसमें हम वेरियस वेरियस फंक्शन देखेंगे। हम अपने मैथ ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर लेते हैं, तो इसके अंदर वेरियस फंक्शंस हो गए, जैसे कि साइन थीटा, एबीएस, ये मेथड्स हो गए एबीएस, ये साइन, टैन, स्क्वायर रूट, ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड हमारे मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर होती है। इस मैथ ऑब्जेक्ट में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ मेथड्स होती है। तो प्रॉपर्टी कौन सी होती है, सपोज हमने यहाँ पे मैथ डॉट पाई लिख दिया, तो हमें पाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो पाई की वैल्यू एक कांस्टेंट होती है, तो ये क्या हो गई, ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई मैथ ऑब्जेक्ट की। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम मैथ डॉट ई भी कर देंगे, तो इसकी भी वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, तो ये भी हमारी प्रॉपर्टी बन गई मैथ ऑब्जेक्ट। अगर ये दो प्रॉपर्टी है तो मेथड कौन कौन से है, तो हम मेथड देखेंगे। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड हम ले लेते हैं मैथ डॉट ए बी एस। तो ये क्या करेगा, अगर हमारे पास कौन सी भी नेगेटिव वैल्यू हो, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का काम मैथ डॉट ए बी एस मेथड का है। सेकंड मेथड है हमारा मैथ डॉट पावर मेथड, मैथ डॉट पावर। ये क्या करेगा, अगर हमें किसी का स्क्वेयर निकालना हो या फिर उसका थर्ड निकालना हो, फोर्थ निकालना हो, जैसे कि हमें सेकंड की फोर्थ पावर चाहिए, तो ये हमें रिटर्न कर देगा। ये होता है मैथ डॉट पावर मेथड का काम। नेक्स्ट है हमारा मैथ डॉट फ्लोर मेथड। ये क्या करेगा, अगर हमने इसको कौन सी भी इंटीजर वैल्यू दे दी, मतलब हमने इसको 1.80 भी दे दिया, तो ये आगे का जो डेसिमल पार्ट है उसको हटा के सिर्फ हमें इंटीजर पार्ट ट्रीटमेंट करेगा। और इसके लिए अगर हमें यहाँ पे इसके आगे का चाहिए इंटीजर, तो हम यूज करेंगे अपना मैथ डॉट टिल फंक्शन। ये क्या करेगा, अगर यहाँ पे हमने 1.1 भी लिख दिया, इसके नियरेस्ट वन इंटीजर हो, तो भी ये टू रिटर्न करेगा। ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि ये टिल फंक्शन क्या करता है, हमारा जो डेसिमल पार्ट है, जो हमारा वैल्यू है, उसके से लार्ज वैल्यू और उसके नियरेस्ट वैल्यू इंटीजर वैल्यू हमें प्रिंट करता है। इसलिए 1.1 लिखा हमने, तो हमें टू रिटर्न होके आ गया। तो ये होता है हमारे सिल का फंक्शन। यहाँ पे हम 2.1 लिख देते तो थ्री रिटर्न होके आ जाता, हमें 3.1 लिखते तो फोर रिटर्न होके आ जाता। ये होता है हमारे सिल फंक्शन का काम। अब होता है एक हमारा रैंडम जनरेटर। तो ये क्या करेगा, मैथ डॉट रैंडम। ये फंक्शन क्या करेगा, हमें एक रैंडम वैल्यू जनरेट करके दे देगा 0 से 1 के बीच में। इस फंक्शन को हम आगे बहुत बार यूज करने वाले हैं, मैथ डॉट रैंडम को, जो हमें 0 से 1 के बीच में कौन सा भी रैंडम वैल्यू जनरेट करके दे देगा। तो ये होते हैं हमारे कुछ मैथ अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एंड मेथड, और ये हमारा मैथ ऑब्जेक्ट।